तो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताएंगे सॉलिड 6303 के लिए नया सॉफ्टवेयर, जो वेलकम का सॉफ्टवेयर था वो लॉन्च हो गया है, रिलीज हो गया है, जिसमें आपको रेड ट्यूब वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो सॉलिड के मेरे बॉक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 22/1/2018 को ये जो बिल्ड है इसका ये रिलीज़ हुआ था। अब नेक्स्ट बिल्ड जो है वो 24/2/2018 का है, जो मैं अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैंने सॉफ्टवेयर को अपने पेन ड्राइव में इंसर्ट कर लिया है, उसको कॉपी कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे जाके इसको मैं फ्लैश करूँगा। तो सबसे पहले जब भी आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे जाओगे, नया सॉफ्टवेयर अपने बॉक्स में इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, उससे पहले दोस्तों आपसे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक डंप फाइल अपने सॉफ्टवेयर की बना लेना, क्योंकि इनकेस जो आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हो वो अगर काम नहीं करता आपके बॉक्स में, तो आपके पास एक अल्टरनेट बच जाता है कि आपका जो बॉक्स है वो डेड ना हो। क्योंकि अगर आपने डंप फाइल बना के रखी होगी तो उस डंप फाइल को आप दोबारा से अपने बॉक्स में फ्लैश कर सकते हैं, जिससे आपका सॉफ्टवेयर डेड होने से बच जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं डंप यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ, और डंप फाइल बनाने के बाद अपना यहाँ पर USB हमें चूज़ करना होगा फाइल पैथ पे, और उसके बाद स्टार्ट पे हमें क्लिक करना होगा। जब हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद ही ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इसकी जो सॉफ्टवेयर की डंप फाइल है उसको कॉपी कर लेगा अपने पेन ड्राइव में। तो चलिए इसको कॉपी होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेस का मैसेज हमें आ चुका है। यहाँ पे सिंपली हमें ओके करना है, और ओके करने के बाद जो भी हमने नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे डालना है वो सॉफ्टवेयर अपने पेन ड्राइव में डाल के हमें पेन ड्राइव को सेटअप बॉक्स के साथ अटैच करना है। और जब सेटअप बॉक्स के साथ आपका पेन ड्राइव अटैच हो जाएगा, उसके बाद आपको अपग्रेड टाइप में यहाँ पे USB अपग्रेड पे ऑप्शन पे जाना है, और नीचे सेक्शन में आपको यहाँ पे डाटा या फिर जो भी आपका आप करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मैं तो यहाँ पे ऑल करूँगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो होती है वो सारे आपके सिस्टम के जो फाइल्स हैं उनको ओवरराइट कर देती है। और उसके बाद यहाँ पे फाइल पैथ पे हम जो भी सॉफ्टवेयर हमने पेन ड्राइव में कॉपी किया होगा उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है लेटेस्ट वाला जो सॉलिड 6303 के लिए आया है वेलकम वाला, तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया। उसके बाद स्टार्ट पे हम क्लिक कर देंगे प्लस ओके से। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैशिंग शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि ये जो प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग का, यहाँ पे इस प्रोसेस में आपको आपका जो पावर कट है वो नहीं होना चाहिए, ना ही आपका बॉक्स बंद होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो बॉक्स है वो फिर नॉर्मल जो फ्लैशिंग प्रोसीजर होता है उससे फिर फ्लैश नहीं हो पाएगा। और इसके अगर ऐसा कुछ दिक्कत होती है आपके सेटअप बॉक्स के साथ तो आपका बॉक्स डेड भी हो सकता है। तो चलिए इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सक्सेस रिबूटिंग यहाँ पे बता रहा है, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लैश हो चुका है। तो चलिए, हमारा बॉक्स तो यहाँ पे सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है, नया सॉफ्टवेयर हमने डाल लिया है अपने बॉक्स में। तो उसके बाद हमें सबसे पहले मेन्यू प्रेस करना है। देख लीजिए, वही हमें सेम इंटरफेस देखने को मिल रहा है जैसा हमने अपने पिछले सॉफ्टवेयर रिलीज में देखने को मिला था, और साथ में जो ये इंटरफेस आपको पगरिया वाले बॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, फैक्ट्री रीसेट, सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह, IPTV वगैरह सारा सब कुछ आ रहा है, पर यहाँ पे CC कैम और पावर व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और साथ में जो रेड ट्यूब के बारे में आपको बता रहा था वो रेड ट्यूब भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक हिडन कोड है जो आपको यहाँ पे प्रेस करना है। सबसे पहले आप सिस्टम इंफॉर्मेशन पे चले जाइए, और सिस्टम इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद तो सबसे पहले तो मैं आपको रेड ट्यूब के बारे में बता देता हूँ कि रेड ट्यूब अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चाहिए होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो रेड ट्यूब के लिए कोड है 6605। जैसे मैं 6605 अपने बॉक्स में एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे मेरे पास एक 6605 जब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो उसके बाद रेड ट्यूब का ऑप्शन यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। और अब सेकेंड ऑप्शन हमें चाहिए पावर व्यू और CC कैम का। तो दोस्तों, अगर हमें पावर व्यू और CC कैम का ऑप्शन चाहिए होगा तो हमें उसके लिए सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना है। सिस्टम इंफॉर्मेशन पे जाके
2778 हमें प्रेस करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही 2778 प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन आ गया है। और एक्सेस कंट्रोल में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट सीसी कैम क्लाइंट वगैरह सारा, ये तो आप सब कुछ जानते ही होंगे। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में भी जैसा पिछले सॉफ्टवेयर में था, इस बॉक्स के लिए 6303 के लिए जैसा पिछला सॉफ्टवेयर काम करता था वैसे ही इसमें भी काम करेगा, पर इसमें एक रेड ट्यूब का ऑप्शन और ऐड हो गया है। बाकी पावर व्यू जो है वो ऑटो रोल होगा इसमें भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, तो शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।